बोलिए सदगुरुदेव की जय। जयकारा की आवाज़ भी नहीं, हजारों लोग बैठे हैं पर अभी जलपान करके आए हैं, थोड़ा जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। परम पूज्य गुरुदेव जी मंच में विराजमान, पूज्य गुरुजन साहेब जी की आज्ञा हुई है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। सभी लोग ध्यान से सुने। हमारे जीवन में एक मिनट किसी की बातें लग जाती है तो हमारा जीवन बदल सकता है। सभी लोग स्ट्रिक्ट होकर के बैठे, कोई इधर ना देखे। वीडियो कैमरा अगर देखते रहेंगे तो जीवन उसी में बीत जाएगा। सावधान स्ट्रिक्ट हो जाए सभी लोग। यहाँ जीवन को बदलने के लिए हम आए हैं। सत्संग जीवन परिवर्तन केंद्र है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में शिक्षक आपको अच्छे अच्छे पोस्ट में ले जाने के लिए ज्ञान देता है। बाहरी दुनिया में आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, IAS अफसर बन सकते हैं, लेकिन जीवन में महानता नहीं मिलती है। आत्मीय बंधुओं, जीवन को बदलना है तो सत्संग चाहिए। आप लोग ध्यान से सुने, सत्संग क्यों करते हैं? आप लोग यहाँ आए हैं, आपको क्या मिल रहा है? न पंखे है, न ठीक से खाने के लिए जमीन में बैठना पड़ता है, कहीं भी सोना पड़ जाता है। घर में ऐसो आराम सोफा सेट पे रहने वाले आपको क्या मिलता है? हम लोग जितनी व्यवस्था किए हैं, सारी व्यवस्था आपकी व्यवस्था के सामने फीकी पड़ती है, पर भी आप इन सब को सहते हुए यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप जानते भी हैं, पर भी आप चुप ध्यान से क्यों बैठ करके सुन रहे हैं? क्योंकि जीवन में हमको परिवर्तन करना है। आज भी हमारे पास वही राग, वही देश, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह है। आज भी हम दुख से पीड़ित हैं। आज भी हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें हम अपने को संभाल नहीं पाते हैं। आज भी जिस स्तर पर हम जीना चाहते हैं नहीं जी पा रहे हैं। हेलो, हम घर में रह करके जिस स्तर पर जीना चाहते हैं आज भी नहीं जी पा रहे हैं। भाई को भाई से डर है, पिता को पुत्र से डर है, पुत्र को पिता से डर है, सास को ससुर से डर है, सास को बहू से डर है, बहू को सास से डर है। क्यों डर? डर डर, गुरुवर कबीर कहते हैं, जो डर डरे डरा ही फिर समावे। आदमी हर जगह डरता है, हर जगह डरता है। क्यों निर्भीक जीवन क्यों नहीं जी पाता है? क्यों हमारे सामने इतने सारे प्रश्न क्यों खड़े हैं? हमारे सामने जैसा जीवन जीना चाहिए वैसे क्यों नहीं जी पाते हैं? हम अपने आप से पूछे, क्यों हमारे जीवन में जो शांति होना, शांति प्राप्त हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? आज भी वही कमी, आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति हमारी, फिर हमारा जीवन कैसे सफल हुआ? सत्संग करते 10 साल, 15, 20, 30, 40 साल हो गया लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आपका सत्संग का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा। यहाँ दिखावा नहीं करना है। एक व्यक्ति ने लिखा था व्हाट्सएप में, रोज स्टेटस बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन को अपने आप रूपांतरित करना होता है, आत्मचिंतन करना होता है, जीवन में जीना पड़ता है। जितनी जानकारी होती है उस जानकारी को लागू करना होता है तब जीवन बदलता है। हम क्या करते हैं? जानते हैं। अगर कोई बताते हैं तो कहते हैं हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अगर जीवन में हम जी नहीं पा रहे हैं तो हमारा जानना, सारा जानना बेकार है। हम पूरा दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए तो क्या जाने।
सारा जानना बेकार चला जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने को जाने। सत्संग में सिर्फ अपने पर केंद्रित, अपने आप को केंद्रित किया जाता है, अपने को पहचानने की बात बताई जाती है। सत्संग में सिर्फ ठोकर दिया जाता है कि बदलो, जीवन आज भी अच्छा है, हम बदल सकते हैं, हमारे पास में क्षमता है, ताकत है, हम अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं। आज तक हम जो पीड़ित हैं, वो पीड़ित मन में द्वेष का भाव है, राग का भाव है, दुख है, दर्द है, वो खत्म कर सकते हैं, नए जीवन की शुरुआत। हम सबको सत्संग से यही सीखना है, हमें नए जीवन का शुरुआत करना है। जो कल हमारे साथ द्वेष का भाव था, दूसरों के प्रति हम गलत सोचते थे, वो बातें छोड़ देना है। सत्संग का मतलब सिर्फ इतना होता है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। जो शेष बच जाता है वो सिर्फ अच्छाई रह जाती है। हमारे पास दो आंखें हैं, दो आंखों से हम क्या करते हैं, एक आंख से हम रास्ता देखते हैं, एक आंख से हमको दूसरे का सद्गुण देखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, आत्मीय बंधु, हम दोनों आंख से सिर्फ दूसरों का दुर्गुण देखते हैं। जीवन नहीं बदल सकता, हम जो चाहते हैं वही हमको मिलता है, हम दुर्गुण देखते हैं, दुर्गुण मिलता है। हर घर में कलह बना रहता है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, भाई ऐसे हैं, पिता ऐसे हैं, पुत्र ऐसे हैं, किसने कहा दुर्गुण देखने को, वो गलत करते हैं, उनका जीवन है, वो जाने, हम अच्छा से जिए, हम अपने को परिवर्तित करें, अपने मन को हम शोधे। गुरुदेव जी कहा करते थे, मन को इतना धुन डालो, इतना धुन डालो, जैसे रुई को धुनने पर उसमें से धूल निकल जाता है, सिर्फ रुई शेष रह जाता है। आत्मीय बंधुओं, जीवन को भी वैसे धुन डालना है, हमारे सारे दुर्गुण खत्म हो जाए जीवन से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने बीच में कहा कि आपस में प्रेम ही सबसे जीवन की सफलता है। चाहे साधु हो, गुरु हो, समाज के गुरु हो, परिवार के व्यवस्थापक हो, परिवार के भाई बहन हो, सास बहू हो, आपस में यदि प्रेम है तो जीवन सफल है। कितने घर में प्रेम है, कितने घर में एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, कितने घर में भाई और भाई में प्रेम है, कितने घर में पिता और पुत्र में प्रेम है, कितने घर में सास और बहू में प्रेम है। शायद इस दुनिया में 5% लोग होंगे जो आपस में बहू बेटी, सास बहू, माता पिता पुत्र सब एक साथ प्रेम से रहते हो। 95% लोग आपस में प्रेम से नहीं जी पाते हैं। 95% लोग आपस में द्वेष, द्वेष, दुख, दुख, दर्द, इतना दर्द बोए हमने, क्यों कभी पूछे हैं हम अपने आप से? मैं आप सबसे प्रश्न करता हूं, क्या आप अपने बच्चे को पूछ सकते हैं कि क्या बेटा मैं जैसा जीता हूं वैसा तुम जी सकते हो? कितने के पुत्र हुए कहेंगे हाँ पिताजी, हाथ उठा सकते हो? यदि आपके पिता पूछे आपसे पिताजी मैं कैसे जीवन जीऊं, आपके बेटे पूछे आपको माँ कैसे जीवन जीऊं मैं, आप कह सकते हो जैसे मैं जीता हूं वैसे, जैसे मैं जीती हूं, या पिता कह सकते हैं जैसा मैं जीता हूं वैसे जियो? इस सभागार में बैठे में से 5% लोग हाथ उठा नहीं सकेंगे कि जैसा मैं जी रहा हूं वैसे मेरे पुत्र हो, वैसे मेरे बच्चे हो, वैसे मेरे सास बहू हो, मेरे बहू हो, मेरे बेटे हो। 5% लोग हाथ नहीं उठा सकते। घर के मालिक बनते हैं, जैसे जैसे बुजुर्गों ने आती है वैसे वैसे बुद्धि का विकसित होना भी जरूरी है। वैसे वैसे आप अपने मन को ऐसा बनाएं, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आपके बच्चे कह सके कि वास्तव में मेरे पिताजी जैसा होना चाहिए वैसा है। उनको अपने पिताजी का नाम लेने में गर्व होना चाहिए, अपनी माँ का नाम लेने में गर्व होना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी 50% लोग कहते हैं हम अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म महसूस होता है। क्यों ऐसे जीते हैं, क्यों शर्मनायक जिंदगी जी रहे हैं? आपने अपनी जिंदगी जैसे भी जिया लेकिन आपको अपना हक अपने ऊपर है, दूसरे पर नहीं। आप अपने भविष्य की पीढ़ी को, अपने पीढ़ी के जीवन को बर्बाद मत करिए। आप अपने बच्चे को इतना अंकुश में रखिए, आपका कहा माने, उस पर जबरदस्ती दबाव मत डालिए। आज की चकाचौंध में इतनी दुनिया बर्बाद होती जा रही है,
और इसके बर्बादी का कारण मैं सबसे ज्यादा कहूं तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप ने या तो सबसे ज्यादा अंकुश लगाया अपने बच्चों पर, या सबसे ज्यादा छूट दिया, या खुद बिगड़ा या अपने बच्चे को बिगाड़ा। आप महसूस करिए इस बात को, कहां मैंने गलती की है। आपने अपने बच्चे को इतना छूट दे दिया, पापा मोबाइल चाहिए आपने बड़ा मोबाइल दे दिया, पापा गाड़ी चाहिए गाड़ी दे दी, पापा हॉस्टल में रहना है हॉस्टल में छूट दी। किन के साथ है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपने बच्चा पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे का भविष्य सुधारिए। हमारे गुरु, हमारे समाज के महापुरुष जन हमको अगर अंकुश ना दे तो हम भटक जाएंगे, निश्चित है। उसी प्रकार आप अपने बच्चे को अगर निगरानी, अपने बच्चे पर निगरानी नहीं रखेंगे, आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। या तो आप ज्यादा अंकुश करते हैं, ज्यादा उनको टोकते रहते हैं, तो आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानेंगे। किसने बिगाड़ा बच्चे को? आपने। आप यदि शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि बच्चे तुम बीड़ी सिगरेट शराब मत पियो, नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जीवन ही वैसा नहीं है। आप खुद इस दुनिया के चकाचौंध में ढलते जा रहे हैं, बुढ़ापा की अवस्था आ जा रही है, लेकिन पति और पत्नी चले जा रहे हैं टॉकीज में फिल्म देखने। एक समय था आदमी जब घर में बैठकर परिवार के लोग एक साथ जो चित्र नहीं देख सकते थे, वो चित्र आज आराम से बैठ करके देखते हैं। आंखों की शर्म खत्म हो गई। विज्ञान ने टीवी दिया तो आंखों की शर्म खत्म हो गई। आत्मीय बंधुओं, शर्म ही हमारा जीवन में विकास करता है। मर्यादा, अगर हमारे पास मर्यादा नहीं है तो हम मर्यादा का उल्लंघन करते करते ना जाने किस स्तर पर चले जाएंगे। अब एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब हम उससे नीचे गिरेंगे, तब पता चलेगा हमको जैसे जीना चाहिए था वैसे शायद नहीं जी पाया। आप अपने बच्चे को सिखाइए कैसा चलना है, कैसे फिरना, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे नहीं पहनना है, कैसे लोगों से बात करना है। ये चीज आप नहीं सीखे हैं तो बच्चे को भी नहीं सिखा पाएंगे। आपके बच्चे ही इस दुनिया के भावी भविष्य है, हमारे इस दुनिया के। अगर बच्चे सही नहीं हो, बच्चे को आप सही शिक्षा ना नहीं दे पाए तो दुनिया की क्या स्थिति हो सकती है। आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया है? टीवी में दिया जाता है कि आदमी की सोच बदलना चाहिए। एक बार चल रहा था कि आदमी को कपड़े नहीं सोच बदलना चाहिए। आदमी अगर अच्छा है तो गंदे कपड़े पहनने से आदमी को मजबूर करता है, अपने से अंकुशित करना चाहता है आदमी को। इसलिए सबसे पहली जरूरत है अपने को व्यवस्थित करें। आज घर की बहू है लेकिन कोई नहीं कहेंगे कि घर की बहू है, अर्धनग्न ना होते चले जा रहे हैं दुनिया में, क्या कपड़े नहीं है? एक जमाना था आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तब अर्धनग्न रहते थे। आज दुनिया के पास में इतनी पैसा हो गई है कि उस अर्धनग्न कपड़े को लाखों और करोड़ों रुपया में खरीदा जाता है। अपने बच्चे को लड़की नहीं लड़का बना करके रखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब कहते हैं बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। किसने उसको टी शर्ट दिया, किसने उसको जींस दिया? आपने दिया है ना, क्या जरूरत है? भारत के रहने वाले हैं, भारतीत्व का पहचान होना चाहिए। एक लड़की है, लड़की की तरह रहना चाहिए। एक अच्छी बात आपको बताऊं कि लड़कियां जींस टी शर्ट पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन लड़कों ने मर्यादा रखा कि उन्होंने साड़ी और ब्लाउज सलवार सूट पहनना शुरू नहीं किया। आप इस चीज को महसूस करें। और मैं जितने लोग बैठे हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप सब घर में जाए, अपने बच्चे को मर्यादा सिखाए, अपने बहू बेटे को मर्यादा सिखाए, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे चलना है। और जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में कोई दुर्योधन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सत्संग सुनना बेकार है आपका। आपके जीवन में कोई भी दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से जाए तो आपके बच्चे महसूस करें पिताजी हमारे, माँ हमारे इलाहाबाद सत्संग से सुन करके आए तो जीवन बदल गया है, उनको महसूस होना चाहिए। आप घर में जाए तो प्रेम से बात करें। आप यहाँ बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पीते थे घर में जाते ही, यहाँ तो छोड़ ही दिए हैं। घर में जाने के बाद भी वो चीज यूज मत करिए। आपके बच्चे महसूस करें कि वास्तव में हमारे पिताजी सत्संग में गए थे। ये चीज आप महसूस करिए। एक बच्चे थे, एक बच्चे ने
घर में रहता था उनके पिताजी शिकायत किए। पिताजी ने संत के पास जाकर के शिकायत किया, पिताजी हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। संत आए उससे पूछते हैं क्यों कहा नहीं मानते हो। बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे सत्संग में रोज जताते हैं संत जी, लेकिन जितना घर में झगड़ा पिताजी करते हैं, जितना घर में लड़ाई पिताजी करते हैं, शराब पीते हैं पिताजी, सिगरेट पीते हैं पिताजी, इससे अच्छा मैं बिना सत्संग में जाए सब सीख सकता हूं, तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। आत्मीय बंधुओं, सत्संग है परिवर्तन केंद्र। आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस जगह में आकर के कुछ अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करें। आप घर में जाए सबसे पहले यहीं से संकल्प करके चले जाए कि मैं कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा। सब लोग संकल्प करें अपने आप में कोई दुर्व्यसन नहीं करूंगा, हिम्मत और हौसला के साथ में। एक व्यक्ति एक दिन में 50 गुटखा खाता था। जब उन्होंने 50 गुटखा छोड़ा, एक साथ छोड़ दिया, एक साथ छोड़ने के बाद में जो सिर में चक्कर आना शुरू हुआ, उन्होंने दीवार में ठोक ठोक करके सिर फोड़ डाला। उनकी पत्नी कहती है तुम शराब पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो, गुटखा खाना शुरू कर दो, छोड़ो मत, तुम जीवन ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वो कहते हैं चाहे मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक आदमी 50 गुटखा खाने वाला छोड़ सकता है, इसमें से 50 गुटखा खाने वाले नहीं होंगे, इसमें से दिन भर शराब के नशा में रहने वाले नहीं होंगे। आप लोग छोड़ सकते हैं, जीवन शुरुआत की स्थिति में मैंने बताया है। इसके बाद बहुत आगे हैं जो संत जन बताते हैं, मन की बातें बताते हैं। मैंने बहुत उच्च स्थिति के बात नहीं कही है, क्योंकि हमारा जीवन का शुरुआत ही अच्छा नहीं होगा, हम जीने की कला ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर मन की बात तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आत्मीय बंधुओं, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप सर्वप्रथम घर जाने से पहले सब लोग संकल्प करेंगे कि कोई दुर्व्यसन हम जीवन में नहीं करेंगे। घर में जाकर के हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, किसी के साथ झल्ला करके व्यवहार नहीं करेंगे। आप इसमें से बैठे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने पुत्र से बात नहीं करते होंगे, कुछ माताएं ऐसी भी होगी जो अपने बहू से बात नहीं करती होगी, कुछ बहन ऐसे भी होंगे जो अपने सास से ससुर से बात नहीं करते होंगे, कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जो अपने पिता से बात नहीं करते होंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जा कर के प्रेम से जा कर के पैर छुओ, दंडवत करो और कहो मैं आज से आप लोगों के साथ रहूंगा, आज से आप लोगों के कहा मानूंगा, आज से मैं जीवन को बदलने का प्रयास किया है, सत्संग में यही सुना है और मुझे जीवन में बदलना है। आपको खुद महसूस होगा कि मैंने शायद अच्छा जीवन जीने का प्रयास किया। और आज की दौड़ती दुनिया में आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने बहू को, बेटी को एक मर्यादा में रखें। आप ऐसे कपड़ों का यूज करने ना दें जिससे सामने वाले लोगों का मानसिकता खराब हो, सामने वाले लोगों की सोच खराब हो। आप भारत के रहने वाले हैं, भारतीत्व को पहचान को ना खोए। आप सबको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार तालियां की गड़गड़ाहट करेंगे, बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए सतगुरुदेव की।